दोस्तों, अगर आप यूज करते हो कंप्यूटर या फिर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपने कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन ऐसे में क्या आपको पता है कि इस की कॉम्बिनेशन का बेसिकली क्या यूज है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन के 5 ऐसे यूज के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूज कौन से है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सरो आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन का सबसे पहला यूज यह है कि इस की कॉम्बिनेशन से आप अपने कंप्यूटर में डायरेक्टली टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन क्रैश हो गया या फिर हैंग हो रहा है और वो एप्लीकेशन बंद नहीं हो रहा जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर पूरा हैंग कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन को दबा के टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी कंप्यूटर के एप्लीकेशन को आसानी से बंद कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को हैंग कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन का, वो ये है कि इसकी मदद से आप आसानी से अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में पासवर्ड को बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपको अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बदलना है तो उसके लिए बेसिकली आप अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाते हैं, फिर यूजर अकाउंट में जाते हैं और वहां पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप डायरेक्टली पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इस की कॉम्बिनेशन की मदद से, जी हां दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में सिंपली कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन को प्रेस करके वहां पे आप सीधा चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम पासवर्ड को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो एक सिंपल और टाइम सेविंग प्रोसेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन का, वो ये है कि इसकी मदद से आप आसानी से अपने कंप्यूटर में जो भी स्टार्टअप एप्स है उसे आप आसानी से डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपके कंप्यूटर में कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होने के साथ साथ वो भी एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं, यानी स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आपका कंप्यूटर कई बार स्लो हो जाता है या फिर हैंग होने लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उन सारे एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन की मदद से। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा कंट्रोल ऑल्ट डिलीट और उसके बाद आपको सिंपली टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर एक स्टार्टअप का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहां पे आपके कंप्यूटर में जो भी स्टार्टअप एप्स है वो सारे आपको यहां पे दिखाई देंगे और यहां पर आपको इनेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप इन सभी एप्लीकेशन को डिसेबल भी कर सकते हैं आप चाहे तो, जो भी एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि वो कंप्यूटर स्टार्ट होने के साथ साथ स्टार्ट ना हो तो उस पर आप सिंपली राइट क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप इसे सिंपली डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे आप डिसेबल कर देते हैं उसके बाद आपका कंप्यूटर जैसे भी स्टार्ट होगा तो वो सारे एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होने के साथ साथ वो एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि आप उसे ओपन नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज आता है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन का, वो ये है कि इसकी मदद से आप आसानी से अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितना रैम है, कितना सीपीयू है, इसके साथ ही आप अपने कंप्यूटर में सीपीयू और रैम यूसेज को भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने कंप्यूटर पे प्रेस करना होगा कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन और उसके बाद आपको सिंपली टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको रैम और सीपीयू का जो भी यूसेज है वो आपको वहां पे दिखाई देगा। इसके बाद जो लास्ट यूज आता है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन का, वो ये है कि इसकी मदद से आप आसानी से अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर के बायोस मोड में है या फिर आप अपने कंप्यूटर में कोई विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर कई बार आपको अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ जाता है। तो इसके लिए सिंपली आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की, उसके बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन के 5 ऐसे यूज जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस की का बेसिकली क्या यूज है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें और आपको मुझसे पर्सनली चैट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर आप चाहते आपको कुछ मुझे ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जैसे नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।